फोन देकर हमने बहुत गलती की, उठाती ही नहीं है। आ जाएगी विद्या, तुम भी ना हाथ धोकर पीछे पड़ जाती हो। मैं उसके हाथ धोकर पीछे नहीं पड़ रही, कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ, उठा ही नहीं रही। दिस इज वेरी इरिस्पॉन्सिबल ऑफ हर। आने दो आरती को, देख लूंगी। पहले तो जिद कर रही थी कि मोबाइल चाहिए ही चाहिए, क्या फायदा मोबाइल देने का अगर वो उठाएगी नहीं फोन। कमाल है, जानती है कि मैं उसकी फिक्र करूंगी, जमाना ऐसा खराब है, कुछ भी हो सकता है उसको। विद्या अभी वक्त ही क्या हुआ, तू तो ऐसी बात कर रही हो जैसे कि आधी रात हो गई और पता नहीं ये लड़की कहाँ होगी, क्या होगा। अरे ज्यादा में ज्यादा क्या है, ट्रैफिक जाम हो गई होगी, अपनी फ्रेंड्स में होगी। अब वो 2 साल की बच्ची तो है नहीं, शी इज बिग इनफ टू लुक आफ्टर हरसेल्फ। उसकी अपनी एक सोशल लाइफ है, उसके फ्रेंड्स हैं, कॉलेज है, जस्ट लेट हर लिव। उसी लिविंग के लिए मैंने उसे फोन दिया था, और उसे मालूम है कि मैं उसे जरूर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूंगी, तो उठाती क्यों नहीं है फोन। मैं देख लूंगी उसे क्या करना है। एक बस तुम्हारा सारा था सुधीर, कि और कोई नहीं, लेकिन लेकिन तुम तो मेरी तरफ से जरूर होगे। पर नहीं, तुम भी बाकियों के साथ, तुम भी बाकियों के साथ सुर मिलाने लगे। मैं क्या करता, तुम ही बताओ। तुम खुद डरती थी ना ये सब करने से, डरती थी कि नहीं? एनीवे, अब जो हो गया सो हो गया। टीना प्लीज फॉर गॉड सेक, आगे से ऐसे रिस्की काम जो तुम्हें चोरी छिपे करने पड़े या झूठ बोलना पड़े, प्लीज मत करना। देखा ना पहले से कितना कलेश है इस घर में, सबके सब मुंह फुलाकर बैठे तुमसे। मुझे जो करना है और जो नहीं करना है मुझे पता है सुधीर। मैं बेवकूफ या बहरा नहीं हूं जो जानबूझकर सबकी फीलिंग्स हर्ट करूं और घर में अनप्लेजेंटनेस पैदा करूं। अरे सुधीर, मैंने तुम्हें जीवन साथी चुना है। यू डिजर्टेड मी, अनजान खड़े थे बस उन सब के बीच, और कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे बारे। अच्छा साथ निभाया तुमने, थैंक यू सो मच। मैं और कुछ नहीं कर सकता था उस समय। अरे मुझे क्या पता कि घर में ये सब चल रहा होगा, मैं तो मम्मी के ऑपरेशन की खबर लेकर आया था, और तुम्हें रोता पाया। टीना प्लीज मेरी भी पोजीशन समझो, पापा पहले से इतने परेशान थे, और अगर मैं कहता कि टीना के बारे में सब कुछ पता है मुझे, तो वो कितना डिस्टर्ब होते कि नहीं। और मैं जो थी उसका कुछ नहीं, मेरी कोई अहमियत नहीं तुम्हारी जिंदगी में सुधीर। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस। अच्छा अब पता चल रहा है ना तुम्हें, लेकिन मेरी फीलिंग्स और मेरी इमोशंस का तुमने सोचा था जब मैंने हम दोनों की अलग रहने की बात छेड़ी थी मम्मी पापा से, तब तुमने कैसे अपना रुख बदल लिया था? क्या तुमने तब मेरा साथ दिया था? बोलो टीना, जवाब दो। आज तो बहुत ही थक गई हूँ मैं। मैम पानी लाओ। नहीं, अच्छा सुन, वो डेविड आया था क्या आज तुझसे मिलने? नहीं मैम, डेविड एकदम नहीं आया, वो सिर्फ सुबह आया था जब साहब को ऑफिस छोड़ा था, उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा मैम। अच्छा सुन, जो तुझे काम बोल के गई थी वो सब किए हैं कि सुबह से बैठ के टीवी देख रही है? हाँ मैम, सब फिनिश कर दिया, आप चेक कर लीजिए। अच्छा ठीक है, और वो विकी आया कि नहीं घर? पता नहीं मैम वापस आया कि नहीं। एक्चुअली मैं सुबह से किचन में बिजी थी मैम, वो पूरे टाइम किचन की सफाई में टाइम निकल गया। वो मैंने फ्रिज साफ किया और सारी अलमिरा और वो स्टोर रूम। अच्छा अपनी बकबक बंद कर, जो तुझसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। नहीं मैम, वो शायद विक्की बाबा नहीं आया होगा, और मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ मैम। मारिया ये कोल्ड ड्रिंक्स किसने पिए? मारिया ये कोल्ड ड्रिंक्स किसने पिए? सारा घर तेरे भरोसे छोड़ के जाती हूँ, कौन आता है कौन जाता है तुझे तो पता होना चाहिए ना, कि कोई भूत रहता है घर में? तू जरूर कुछ छुपा रही है मुझसे, सच सच बोल। नहीं मैम, गॉड प्रॉमिस, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर विकी घर पे आया है तो तुझे पता होना चाहिए या नहीं?
घर लुट जाएगा तुझे पता भी नहीं होगा। तू क्या घर में नशे में रहती है? शायद मैं पानी लेके आती हूँ। विकी, हंसने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम्हारी मम्मी तुम पर बरसती है ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी क्या हालत होती है। ओके? ओहो, मैं इतना भी नहीं डरता हूँ जितना तुम कांप रही हो, जैसे कोई तुम्हारी मॉम ना हो, कोई ड्रैकुला हो। नहीं नहीं, ड्रैगन मम्मी, उन्होंने मुंह खोला और आरती अंदर। हाँ, आरती जस्ट मेल्ट्स और गायब। गायब मैं नहीं, मम्मी का गुस्सा होने वाला है, क्योंकि मैंने तो अपना एक्सक्यूज सोच रखा है। अब तुम तीनों अपनी बत्ती सी बंद रखो। और क्या फॉर्मूला निकाला है हमारी आरती जी ने इतना सोचने के बाद? यही कि तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई और मैकेनिक के आने तक देर हो गई। हाँ, यहाँ तो बोल दिया, लेकिन वहाँ मम्मी के सामने वो मम्मी, वो करिश्मा की गाड़ी हो। शट अप करिश्मा, मैं तुम्हारी। फिर से मम्मा का फोन आ रहा है, वो परेशान हो रही होगी। प्लीज लेट्स गो नाउ। हाँ हाँ, जल्दी करो, करिश्मा की गाड़ी भी तो बनवानी है। डोंट बी अ स्पॉइल्ड आंटी, सिट नाउ। आई एम नॉट बीइंग अ स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड, लेकिन घर जाना है यार, चलो। अरे यार, ये तो सचमुच काफी परेशान हो रही है। चलो आरती, लेट्स गो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट टाइम प्लीज अपनी मम्मी के साथ सेटिंग करके आना। हाँ, बार बार ये रोना नहीं चलेगा। ओके, नाउ कैन वी मूव? चलो चलो, लेट्स गो। चलो भाई। आज जाकर कहीं मुझे चैन की नींद आएगी। इतने दिनों से इस टीना की बच्ची का राज फाश करना चाहती थी, आज फाइनली कर ही दिया। सोचती थी कि जिंदगी भर माजी और पिताजी की आंखों में धूल झोंकती रहेगी, अब पकड़ी गई ना तो मजा आया। बिंदु, घर में सब लोग इतने परेशान हैं माँ की तबीयत को लेकर, और तुम्हें ऐसी लड़ाई झगड़े की बातें सोच रही है? हद है तुमसे। हद मैंने नहीं, टीना ने कर दी है। और ये क्या मम्मी मम्मी की रट लगाई है? मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर ने कह दिया ना कि कोई खतरे की बात नहीं है, वो रिकवर हो रही है। और टीना, टीना कौन सी पहले मेरी बड़ी दोस्त थी जो उससे मैं प्यार और मोहब्बत निभाऊं? मैं तो कहती हूँ कि अच्छा ही हुआ कि उस पर ये मुसीबत आ पड़ी, कम से कम सुधर तो जाएगी। देखे कैसे बचती है इस मुसीबत से वो। झूठी कहीं, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करो, छोटी है तुमसे वो। छोटी है तभी तो रंग दिखा रही है, माँ जी और पिताजी को देखा नहीं कैसे उसी की तरफदारी करते रहते हैं हमेशा, जैसे उनकी नजरों में मैं तो कुछ हूं ही नहीं। टीना ऐसी है, टीना वैसी है, टीना में ये है, टीना में वो है, टीना कमाल है। देखा कैसे गुल खिलाया उनकी छोटी बहुरानी ने। वैसे अच्छा नहीं किया टीना ने, मैं हमेशा समझता था कि टीना सीधी साधी है, पर इस तरह हम सबसे झूठ बोलकर सत्संग व प्रवचन सुनने के बहाने किटी पार्टी में, मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि वो इस तरह हम सबको धोखा देगी। वाकई कैसे रंग बदले हैं उसने। अब इस गिरगिट के रंग ही नहीं रहेंगे, सारे रंग फीके पड़ गए बस इस एक झटके से। उसका सारा खेल खत्म हो गया। मोबाइल है या फेंक दिया रास्ते पर, या फिर मम्मी के कॉल्स आ रहे थे इसलिए रिसीव करने की जरूरत नहीं समझी। इधर आओ, मैं कहती हूँ इधर आओ। बोलो, क्या एक्सक्यूज तैयार किया है इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए? तुम दोनों तो अपनी माँ को कुछ समझती ही नहीं। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ, न जाने नहीं तो तुम्हारा क्या हाल हुआ होता। बोलो, क्यों मेरा फोन नहीं आंसर किया? मामा, मामा प्लीज, आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। हाँ हाँ, मैं तो तुम्हें कुछ करने ही नहीं देती हूँ, दुश्मन हूँ तुम्हारी। अगली बार तुमने कुछ मांगा ना मुझसे तब देखना। मामा प्लीज रिलैक्स, मैं बताती हूँ, अगर फिर भी आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो ठीक है, आप मेरा फोन भी रख लीजिए और मुझे घर से बाहर निकलने मत दीजिएगा। बताओ क्या हुआ? मामा, हमारे कॉलेज में एक विजिटिंग प्रोफेसर आ गए थे, उनका लेक्चर इतनी देर तक चला कि बस लेक्चर खत्म होते ही हम लोग करिश्मा की गाड़ी में बैठकर घर आ रहे थे, लेकिन हाईवे पहुंचते ही गाड़ी खराब हो गई। मामा का कोई रिक्शा भी नहीं थी ना, तो
रिक्शा ढूंढने के लिए हमें बहुत देर तक पैदल चलना पड़ा और इतनी देर में मोबाइल नहीं सुनाई दिया। मामा क्या आपको लगता है मैं ऐसा करूंगी? मामा मुझे पता ही नहीं चला कब आपका फोन आया। इस वे ओह गॉड आई नो व्हाट हैपेंड। मामा मेरा फोन तो करिश्मा की गाड़ी में ही रह गया। स्टूपिड, अगर फोन कर देती तो मैं या अभिमन्यु लेने आ सकते थे। फोन रखती हैं और यूज करना नहीं जानती। लेक्चर के नोट्स लिए या नहीं? जी लिए। कुछ खाया? जाओ नहा लो और सीधा डाइनिंग टेबल पे आ जाना। रोहन, रोहन आर यू रेडी? ऑन रोहन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी मम्मा तुम्हारा बैग पैक कर रही है, तुम्हें खुद करना चाहिए ना। चलो गेट अप। मम्मा मैं थक गया हूँ। I have no energy. I assure you don't have any energy. You are just a big lazy bum. चलो उठो, उठो। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अंदर चल के लेटना है? नहीं। अच्छा चलो मैं इधर लेटाती हूँ तुम्हें। चलो कम गेट अप। चक्कर आ रहे? नहीं, थोड़ा सा। हेलो हेलो नताशा। ओ हाय पिक्सी, क्या बात है, सुबह सुबह फोन किया। सब ठीक है ना? एक्चुअली ना रोहन को बहुत तेज बुखार हो रहा है। ओह माय गॉड, उसे दवा दी? नहीं अभी पता चला है उसे बुखार है। अच्छा लिसन नताशा, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम डे स्पेंड कर सकती हो रोहन के साथ। मैं शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी। पिक्सी तो छुट्टी नहीं ले सकती क्या? कैसे छुट्टी लूँ, अबकी बार छुट्टी मांगी ना तो नौकरी से निकाल देंगे। तुम्हें पता तो है क्या हालत है वहाँ पे। अच्छा बताओ ना नताशा, कैन यू मेक इट? आने को तो मैं अभी आ जाती, इनफैक्ट मुझे कोई काम भी नहीं है। तो मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है एंड आई कांट मिस इट। नहीं नहीं मिस भी नहीं करना चाहिए। ठीक है मैं कोई और अरेंजमेंट कर लूंगी, डोंट वरी। हां अच्छा सुनो, मुझे इन्फॉर्म करती रहना बिकॉज अभी तो मुझे रोहन की फिक्र लगी रहेगी। ओके ओके बाय, थैंक्स। हेलो हां पिक्सी, रोहन है क्या उधर या स्कूल के लिए निकल गया? नहीं आज रोहन स्कूल नहीं जा रहा है। विजय का क्यों, क्या उसे? बहुत तेज बुखार है। ओह तो तुम हो ना उसके पास, ऑफिस तो नहीं जा रही हो ना? मुझे आज ऑफिस जाना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? मेरी भी आज बहुत जरूरी मीटिंग है आज। एक काम करता हूँ, पिया इज फ्री तो मैं पिया को वहां भेज दूं, वो रुक जाएगी उसके पास। उसके फ्री होने से क्या होता है, वो नहीं आएगी। पिया ना इसकी माँ है ना आंटी। कम ऑन यार, मेरा सुबह सुबह मूड मत ऑफ करो, एज इट इज मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ ठीक है ना, आई विल मैनेज समथिंग। या प्लीज फाइन बाय। उठ क्यों गए? आपने पिया को आने से क्यों रोका? अरे मुझे पता ना क्या जरूरी है और क्या करना चाहिए, तुम लेट जाओ। चलो मम्मा, लेकिन मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है ना। मामा मैंने कहा ना अभी लेट जाओ, आराम से लेटो। मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आती हूँ पहले, तो चलो लेटो। पापा जी, मम्मी जी क्या सारा सामान रख लिया ना? हाँ। टूथब्रश रखा? अरे सब कुछ रख लिया बेटा, जल्दी करो वरना देर हो जाएगी, इंतजार कर रही होंगी वो हमारा। बस हो गया हो गया। पिताजी पिताजी मुझे भी साथ ले चलिए ना, मुझे भी माँ जी से मिलना है। माँ जी से मिलना है या मक्खन लगाना है? पिताजी मैं सच कह रही हूँ, मुझे माँ जी की बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है। आप प्लीज अपने साथ मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। चिंता फिक्र मतलब समझती हो इन शब्दों का? अगर हमारी चिंता होती तो हमारे पीछे वो सब कुछ करती नहीं फिर रही होती। तो चलो बिंदु, और तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी पिताजी प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूं, मुझे बहुत चिंता है माँ जी की, मुझे प्लीज अपने साथ ले चलिए। विश्वास
और तुम्हारा वैसे बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो तुम, बहुत अच्छी। बिंदु चलो वरना इसके नाटक में देर हो जाएगी। पिताजी अपने झूठ के लिए मैं पूरी तरह से शर्मिंदा हूं। पिताजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं हाथ छोड़ती हूं। मुझे प्लीज अपने साथ ले चलिए, मुझे यूं ठुकराइए नहीं। पिताजी आप जो सजा देना चाहते दे दीजिए। सजा बच्चों को दी जाती है, बड़ों को नहीं। और मुझे नहीं लगता कि तुम अब कोई छोटी बच्ची रह गई हो जिसे अनजाने में ये भूल हो गई हो। चाह कर किया तुमने ये सब कुछ जानबूझकर, ये जानते हुए कि ये सब कुछ हमें अच्छा नहीं लगता, ये जानते हुए कि जब हमें मालूम होगा तो हमें बुरा लगेगा, हमको तकलीफ होगी, फिर ये सजा और माफी क्यों क्यों ये ढूंढूं? सब कुछ नाटक लगता है, बिल्कुल नाटक। देर हो गई है, बहुत देर। चलो बिंदु। कैसा महसूस कर रही हो आप? कमजोरी लग रही है, लेकिन बात माजी मैं दूर जूस या कुछ लेकर आऊं? नहीं बेटा, ऑपरेशन के बाद काफी देर तक तो कुछ नहीं देते। तुमने तो हमारी जान ही निकाल ली थी, अधमरे हो गए थे हम लोग डर और चिंता की वजह से। कुछ नहीं होगा मुझे, अपने पोते पोतियों का मुंह देखकर ही मैं मरूंगी। ये क्या माँ, इतनी पुरानी बीमारी थी आपने हमें बताया था कि डॉक्टर ने कहा कि माँ की देखभाल ठीक से नहीं करते हैं, इसलिए इतनी सीरियस हालत हो गई थी। नहीं बेटा। माँ अब आपको घर पर जाकर पूरी तरह से आराम करना पड़ेगा, अच्छी तरह से खाना खाना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, तुम सब यहाँ हो, टीना कहाँ है? तुम सब चुप क्यों? अरे कुछ हुआ तो नहीं मेरी बच्ची को? उसे कुछ नहीं हुआ है माँ जी, बस पापा जी ने उसे हॉस्पिटल आने से मना किया है। आप टीना की चिंता इतनी क्यों करती हैं? इस वक्त आप बीमार हैं, उसकी चिंता करेंगी तो और परेशान हो जाएंगी। बेटी कभी तो उसे बख्श दिया करो, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? और आपने आपने उसे यहाँ आने से मना क्यों किया? बेचारी अकेले घर में मेरे बारे में चिंता कर रही होगी। माँ जी मैं साफ साफ कहूँ, मैं खुद नहीं चाहती थी कि टीना आकर आपसे मिले, कि ऐसी औरत आपके पास भी आए। वो हम सबको छल रही थी। कैसी बातें कर रही हो बिंदु? वो तुम्हारी छोटी बहन समान है। छोटी बहन की तरह थी, इसीलिए तो शर्म आई। एक ऐसी औरत जो घर से झूठ बोलकर बाहर जाती है और 5-स्टार होटल में बेशर्मों की तरह मटकती हो। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो पापा जी से पूछ लीजिए, इन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था।